वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें कि इन फिगर 9.24, फिगर हमारी वो सामने है 9.24, दो ट्रायंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल दे रखे हैं सेम बेस पर, तो सेम बेस कौन सा है मेरा AB। दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर लाई कर रहे हैं। ए लाइन सेगमेंट CD, जो CD लाइन सेगमेंट है वो AB के द्वारा बाइसेक्ट की जा रही है, किस पर पॉइंट O पे। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। चालू करें, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में हमारा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। हमको गिवन जो हमको दे रखा है कि जो CD है वो बाइसेक्ट हो रही है AB से, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं CO इज इक्वल टू OD। अगर ये जो CD है बाइसेक्टेड हो रही है AB के द्वारा, तो AO हमारा मीडियन का काम करेगा। देयरफॉर AO इज ए मीडियन इन ट्रायंगल ACD। अगर ये ACD हमारा ट्रायंगल है ACD के अंदर, अब AO हमारा मीडियन का काम करेगा क्योंकि ये दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर जो मीडियन होता है हमारा एक ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो हमारा एरिया कौन कौन से हो गए अब ट्रायंगल्स के, ACO और ADO। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO। दूसरा कौन सा हो गया ये, तो हम कह सकते हैं इसका एरिया इसके इक्वल है, ये 1 का एरिया 2 के इक्वल है। सिमिलरली जो BO है वो भी एक तरह से मीडियन का काम करेगा ट्रायंगल BCD के अंदर, क्योंकि ये लाइन को हमको CD को हमारी AB क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली BO इज ए मीडियन इन ट्रायंगल BCD। जो BCD ट्रायंगल है इसमें हमारा मीडियन का काम कर रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं जो BO है वो दो इक्वल भाग में डिवाइड करेगा हमारे इस ट्रायंगल को। तो ये दो इक्वल भाग लिख देते हैं हम, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल CBO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBO। ये हो गया एंगल 2 और एंगल 3 और 4। हमारे ट्रायंगल्स कौन कौन से हो गए, ट्रायंगल 3 और 4। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी, इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड को हम जब ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ACO प्लस एरिया ऑफ CBO, तो ये हमारा मिला के हो जाता है ABC का एरिया। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADO इज प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBO, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBO। तो ये दोनों का एरिया मिला के क्या हो गया, एंगल हम कह सकते हैं ट्रायंगल 1 और 3 का एरिया मिला के हो गया मेरा ट्रायंगल ACB का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और हमारा ट्रायंगल 2 और 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं एरिया को, तो हमारा हो गया ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो हमें क्या प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्रूव करना था। तो देखो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया, तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।